अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, जो हमारा यूनिट नंबर सिक्स है टेस्ट एंड एग्जाम्स, उसके आज ग्रामर का पोर्शन है हमारे पास। तो उसके ऊपर टाइटल है मॉडल वर्ब्स। आज हमने मॉडल वर्ब्स का लेक्चर है हमारा, तो मॉडल वर्ब्स हमने देखने हैं कि क्या होते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मूड और मैनर इन विच द एक्शन इज डन। द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? कहते हैं मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि वाजे करने के लिए मदद देते हैं मॉडल और मैनर्स के, अपनी एक मूड को और मैनर्स, अंदाज़ वगैरह को और अपने तासर वगैरह को जाहिर करने के लिए मदद देते हैं, जिसमें हमारा जो एक्शन है वो अमल कर मीन के अमल होता है, मीन के जो अमल है वो होता है। तो मॉडल वर्ब्स ये हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड मॉडिफाई द मीनिंग्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये क्या बताते हैं? एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। अगर मॉडल वर्ब्स जो है वो क्वेश्चन है तो वो उसके स्टार्ट में आएगा। एग्जाम्पल, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी। तो द मॉडल वर्ब मे है तो वो स्टार्ट पे है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया है किसी से। तो नेगेटिव फॉर्म में अगर लिखना है तो फिर उसके साथ मॉडल वर्ब्स हैव नॉट और नॉट आफ्टर देम इन द नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मॉडल वर्ब्स के साथ, मैं कि यहाँ पे आपको समझाती हूँ, कैन है इसके बाद नॉट आ जाएगा, या इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में एन लगा के, अपोस्ट्रोफ लगा के और साथ टी लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये देखिए, एन अपोस्ट्रोफ योर टी। या आप ऐसे भी नोट लिख सकते हैं और ऐसे भी नोट लिख सकते हैं। ठीक हो गया? ऐसे लिखना है तो मॉडल वर्ब के साथ मिलाकर, अगर ऐसे लिखना है तो थोड़ी सी स्पेस दे के। आपको नीचे एग्जांपल दिखाती हूँ। मस्ट, तो देखें इसके साथ है, और अगर ऐसे नहीं लिखना तो मस्ट नोट लिखना, तो थोड़ी सी स्पेस दे के साथ नोट लिखना है। नेडन, 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 अगर ऐसे नहीं लिखना तो नीड स्पेस दे के नॉट लिख देना है। ठीक हो गया? आगे हैं मॉडल वर्ब्स। आगे हम मॉडल वर्ब्स पढ़ने लगे हैं, कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मॉडल वर्ब्स है, एग्जांपल्स, यूजेस। ठीक है, मॉडल वर्ब्स कौन सा है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। पहला है कैन, दे कैन कंट्रोल देयर ऑन बजट, बजट वी कैन नॉट फिक्स इट। ठीक है, अबिलिटी है और इनअबिलिटी है। कैसे है? कहते हैं कि अबिलिटी कैसे हैं कि वो अपने जो बजट हैं वो खुद उनको संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते। वो कर सकता लेकिन हम नहीं कर सकते, अबिलिटी और इनअबिलिटी आ गई होगी। ठीक है, कुड, कुड क्या है? कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी जो डिक्शनरी है उसको उधार ले सकता हूँ? आस्क फॉर परमिशन, अब परमिशन है इसमें क्या है, परमिशन हम पूछ रहे हैं, सॉरी परमिशन ले रहे हैं। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, अब रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर कि क्या मतलब, क्या आप इसको दोबारा आस्तगी से बयान कर सकते हैं, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट हो गई। तो विल है, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाएंगे, तो आस्क है, पूछना है, सिंपल। ठीक हो गया? यूज़ क्या है, यूज़ क्या है, पूछना। वुड, वुड यू गिव मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा देंगे, रिक्वेस्टिंग है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मे आई गो आउट ऑफ, आउट टू प्ले, आस्किंग फॉर परमिशन। मे आई गो आउट टू प्ले, देखिए मे है, आप लोग कहते हैं जब आप क्लास में आते हैं, टीचर मे आई कम इन, ठीक है, उसमें मे आता है ना, तो आप क्या करते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मे आया है स्टार्ट पे, तो ये क्या है, आस्किंग परमिशन है। ठीक हो गया?
रजिया इज़ लेट, रजिया लेट है। ही मे हैव मिस्ड द बस, शायद वो अपनी जो बस है उसको मिस कर दे, मिल के उसकी जो बस छोड़ जाए। पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी अब सोच रहे हैं, शायद वो अपनी बस को छोड़ दे, मिल के उसकी बस निकल जाए, और क्योंकि वो लेट है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी अभी हुआ नहीं, पॉसिबिलिटी शो कर रही है। माइट, यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट। माइट है, माइट का मतलब भी शायद है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है। यू माइट फाइंड, आप अजमल को लाइब्रेरी में पाएंगे, लेकिन मुझे इसमें शक है। एक्सप्रेसेस वीक पॉसिबिलिटी, कमज़ोर मीन के मुमकिनात को वाजे करना। मस्ट, आई मस्ट से गुड बाय नाउ, आई मस्ट से गुड बाय नाउ। अब मैं आपको गुड बाय कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, तो फिर नेसेसिटी हो गया, ज़रूर हो गया। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइस टू इन द लाइब्रेरी, ऑब्लिगेशन हो गया, फ़र्ज़ हो गया, प्रोहिबिशन हो गया है, ममानहत भी हो गई है। आउट टू यूथ, यंग पीपल आउट टू हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल एज मच एज पॉसिबल। अब नौजवानों को बूढ़े लोगों की मदद करनी है जितनी कि मुमकिन हो सके। ड्यूटी, और यह कह सकते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन, अखलाकी फरीज़ा भी है और इनका फ़र्ज़ भी है। वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हमें इस मसले को जल्दी से हल कर लेना चाहिए। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, ये कहना कि क्या सही है और क्या गलत है। आई थिंक वी शुड चेक एवरी थिंग, मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। रिकमेंडिंग एक्शन, इसलाह, अमल की इसलाह। ठीक है, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं और आप लोगों ने इसको अच्छे से याद किया है। नो डाउट आज का लेक्चर टफ है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद किया लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।